Yummy! 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 Hey, no! Dab your face. Give it to me and dab your face. Dab your face. Dab. Good. हैव एवरीवन, वेलकम टू मी एंड मॉमी. दिस इज़ मी शेली. एंड आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आपका बच्चा दूध नहीं पीता है तो आप क्या कर सकते हैं. तो हम वीडियो फटाफट से स्टार्ट करते हैं. बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको वीडियो पसंद आए और हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड फैमिली के साथ सबके साथ ज़रूर शेयर कीजिए. एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे मैं दर्श के बहुत सारे वीडियोज़ अपलोड करती रहती हूँ ऑन रेगुलर बेसिस. सो अभी हम वीडियो स्टार्ट करते हैं. सो अगर मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूं तो ये प्रॉब्लम मैंने फेस की थी जब दर्श 13 मंथ्स का था. तो उस टाइम पे मैंने अपने डॉक्टर से बात की थी एंड मेरे डॉक्टर ने मुझे बताया था कि एक साल से लेकर दो साल तक के बच्चों को मिनिमम 500 ml या आधा लीटर दूध पीना मैंडेटरी है. लेकिन मुझे प्रॉब्लम वही आई थी कि दर्श दूध नहीं पी रहा था तो मैं क्या करूँ. तो मैंने काफ़ी ज़रा स्टडी किया एंड जो जो पॉसिबल प्रॉब्लम्स हो सकते थे हम उनके बारे में बात करते हैं. तो सबसे पहला और कॉमन प्रॉब्लम जो मेरे केस में एक्चुअली एप्लीकेबल था वो था दूध का टाइप चेंज होना. एक्चुअली दर्श 12 महीने तक मेजरली फॉर्मूला मिल्क पे था एंड उसके बाद मैंने उसको एक काओ मिल्क पे ट्रांजिशन किया तो उसको काओ मिल्क के टेस्ट को वो अडॉप्ट नहीं कर पाया था, जिसकी वजह से उसने एक टाइम पे दूध पीना बिल्कुल ही बंद कर दिया था. वो बॉटल लगाता था बट बहुत थोड़ा दूध पी के उसको छोड़ देता था. तो अगर सेम प्रॉब्लम आपके साथ भी है तो आप ये चेक कर सकते हैं. ऐसा तो नहीं है कि आपने अपने फॉर्मूला का ब्रांड चेंज किया है या आपने दूध का टाइप चेंज किया है, आप फॉर्मूला से काओ मिल्क पे आए हैं या काओ मिल्क से या किसी भी दूसरे टाइप के मिल्क से आपने ट्रांजिशन किया है. तो उस केस में अगर ऐसा होता है तो उसका सोल्यूशन क्या है. उसका सोल्यूशन ये है कि आप बच्चे को अगर वो दूध नहीं पी रहा है तो सबसे पहले जो उसको फोर्स मत कीजिए, उसको उस दूध का टेस्ट आपको अडॉप्ट कराना है. और उसके क्या तरीके हो सकते हैं, आप उस दूध की अलग अलग डिश बना के बच्चे को दे सकते हैं, उसकी अलग कोई मिल्क शेक दे सकते हैं उसको, उस दूध का कोई जैसे सेवैया है, खीर है, हलवा है, आइसक्रीम है, एनीथिंग जिससे उसको वो दूध के टेस्ट के साथ कंफर्टेबल हो जाए. सेम मैंने किया था एंड ये आइडिया मेरे लिए काम किया था. धीरे धीरे दर्श को उस दूध का टेस्ट पसंद आ गया एंड अब वो नॉर्मल जैसे पहले दूध पीता था वो प्रॉपर अपना दूध पीता है. अब उसको दूध पीने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है. सेकेंड जो प्रॉब्लम हो सकती है जो कि 12 महीने के ऊपर के बच्चों में बहुत कॉमन होती है, वो सॉलिड पे उनका ट्रांजिशन काफ़ी अच्छा खासा हो चुका होता है. वो काफ़ी सॉलिड ले रहे होते हैं मील्स पे, प्रॉपर अपने 3 टाइम के मील्स पे आ चुके होते हैं. तो उनको मील्स लेना या उनको खाने का टेस्ट ज़्यादा पसंद आता है एज़ कम्पेयर टू दूध, बिकॉज दूध तो पिछले एक साल से पी ही रहे थे. तो उस केस में भी बच्चे क्या करते हैं कि दूध को लेना कम प्रेफर करते हैं और खाना खाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, और जिसकी वजह से उनका दूध का इंटेक कम हो जाता है. तो इस केस में आप क्या ट्राई कर सकते हैं कि जब भी आप बच्चे को बहुत ज़्यादा भूख लगी है तब आप उसको दूध दें. जैसे कि एक सुबह को जब वो सो के उठता है तो रात भर से अगर उसने से कुछ भी नहीं खाया पिया था, या रात को वो उठता है दिन में वो नैप लेके उठ रहा है अपने 2-3 घंटे के बाद, तो उस टाइम पे बच्चे का पेट अच्छा खासा खाली होता है. उस टाइम पे उसको दूध ऑफर करें जिसमें कि मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि वो उस टाइम पे दूध को ले लेगा. इसके अलावा आप जब भी उसको खाना खिलाने के अलग आधे 1 घंटे के अंदर दूध ऑफर ना करें, बिकॉज ऑलरेडी उसका पेट भरा हुआ है, वैसे भी वो दूध कम पिएगा और आपको लगेगा कि वो दूध पी ही नहीं रहा है. तो आप ये मेक श्योर करें कि जब भी आप उसको दूध ऑफर करें तो उसका पेट या उस खाली हो या उसको अच्छी खासी भूख लगी हुई हो. थर्ड जो पॉसिबल प्रॉब्लम हो सकती है वो हो सकती है निप्पल के साइज़ की. इसमें दो चीज़ें होती हैं कि अगर आपका बच्चा लाइक वो छोटे साइज़ के निप्पल से दूध पी रहा है तो वो इरिटेट होगा कि दूध बहुत कम कम आ रहा है और वो थक जाएगा दूध पीते पीते निप्पल से, तो वो दूध पीना थक कर छोड़ देगा, जिसकी वजह से दूध की क्वांटिटी उसने कम ली है. इसके अलावा ये भी हो सकता है कि अगर दूध जो निप्पल का साइज़ है वो बच्चे की एज के हिसाब से बड़ा है तो बच्चे को जो दूध का फ्लो है बहुत ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से भी बच्चा उस दूध को फटाफट कोशिश करेगा उसको सटकने की, बट उसको प्रॉब्लम होगी. तो दोनों ही केसेस में बच्चे को प्रॉब्लम होगी और वो दूध को अवॉइड करेगा. तो आप ये ध्यान रखिए कि जो भी आपके बच्चे की एज है उसी के अप्रोप्रिएट आप निप्पल यूज़ कीजिए. हर निप्पल जब भी आप निप्पल परचेज करते हैं तो निप्पल के पैक पर लिखा होता है कि वो कौन से एज के बच्चे के लिए है.
फोर्थ जो पॉसिबल रीजन हो सकता है इस केस में वो हो सकता है दूध का टेम्परेचर, जो कि जिसके चांसेस कंपैरेटिवली सबसे कम होते हैं, क्योंकि बच्चा काफ़ी टाइम से दूध लेता हुआ आ रहा था तो आपको एक आइडिया होता है कि बच्चे को किस टेम्परेचर का दूध पसंद आता है। बट हाँ, अगर बच्चे ने ट्रांजिशन ब्रेस्ट मिल्क से और बॉटल पे आया है तो उसको ये प्रॉब्लम हो सकती है, उसको लाइक दूध बहुत ज़्यादा गर्म, बहुत ज़्यादा ठंडा पसंद नहीं आ रहा है और जो टेम्परेचर उसको चाहिए वो टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो पा रहा है, तो उस केस में आपको थोड़ा सा लाइक ट्रायल एंड एरर वाला मेथड अपनाना पड़ेगा। कभी थोड़ा सा गर्म दिया, कभी थोड़ा ठंडा दिया, कभी नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे दिया, तो आपको तब समझ में आएगा कि बच्चे को किस टेम्परेचर का दूध पसंद आता है। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है वो है डिस्ट्रैक्शन, और ये दर्श के केस में बहुत होता है, अभी भी होता है। जब भी वो अगर वो दूध पी रहा है और उसको कोई डिस्ट्रैक्शन दिख गया, वो डिस्ट्रैक्शन किसी भी टाइप का हो सकता है, डोरबेल बजी है, मेरा फ़ोन बज गया है, कोई रूम में एंटर कर गया है, एनीथिंग, अगर उसको कोई डिस्ट्रैक्शन होती है तो वो दूध पीना वहीं छोड़ देता है। तो उसका सोल्यूशन सिर्फ ये है कि आप जब भी बच्चे को दूध पिलाएं तो ऐसी जगह पे बैठ के पिलाएं जहाँ पे उसे कम से कम डिस्ट्रैक्शन हो और उसका पूरा ध्यान जो है वो उसके दूध पर ही रहे। लास्ट जो पॉसिबिलिटी हो सकती है वो हो सकती है कि बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है, और आपको पता है कि जब बच्चों की तबीयत ठीक नहीं होती है वो सब खाना पीना सबसे पहले बंद करते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जो दूध ले लेते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो दूध भी नहीं पीते हैं, उनको सिर्फ कुछ जो उनकी फेवरेट डिशेज होती हैं वही वो सिर्फ लेते हैं। तो उस केस में आप बच्चे को फोर्स मत कीजिए दूध पीने के लिए, उसकी तबीयत ठीक होने के बाद वो दूध ले लेगा, तो उस केस में आपको सिर्फ वेट ही करना होता है और जो भी बच्चे को उस टाइम पे खाना पसंद आया आप उसको वही दीजिए, और कुछ दिनों के लिए उसको दूध देना अवॉइड कीजिए अगर वो दूध को प्रेफरेंस नहीं दे रहा है। तो ये कुछ ऐसे पॉसिबल रीजंस थे जिनकी वजह से जनरली बच्चा जो है वो दूध पीना अवॉइड करता है या छोड़ देता है। बट जो सॉल्यूशन मैंने आपको बताया है, आई एम होपिंग कि ये सारे सॉल्यूशन में से कुछ ना कुछ तो आपको ज़रूर हेल्प करेगा। बट अगर ये सारे सॉल्यूशन अपनाने के बाद भी बच्चा दूध नहीं पीता है तो आप क्या करें? अब दूध तो पीना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दूध से बच्चे को कैल्शियम मिलता है, प्रोटीन मिलता है, विटामिन डी मिलता है, और कैल्शियम स्पेशली बच्चों की बोन्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बच्चों की बोन्स एंड टीथ के लिए। तो आपको फिर अभी देखना पड़ेगा कि आप कौन से और अल्टरनेटिव अप्रोच कर सकते हैं जिससे बच्चे की जो भी कैल्शियम की रिक्वायरमेंट है, कैल्शियम प्रोटीन विटामिन डी की रिक्वायरमेंट है, वो सफ़र ना करे अगर वो दूध नहीं भी पीता है तो। बिकॉज अगर आप उसको ज़बरदस्ती दूध पिलाएंगे तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है, उससे बच्चा इरिटेट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अब हम अल्टरनेटिव से बात करते हैं। तो अल्टरनेटिव में सबसे जो फर्स्ट प्रेफरेंस पे आता है वो है डेयरी आइटम्स, दूध से बने हुए कोई भी आइटम, चाहे वो दही हो, पनीर हो, एनीथिंग, दूध की कोई डिश है जैसे मैंने बताया, कोई मिल्क शेक है, इवन आइसक्रीम भी, एनीथिंग जिसमें कि दूध है वो आप बच्चे को दे सकते हैं। बच्चे को अगर स्वीट डिश पसंद है तो आप वो बनाकर दे सकते हैं, हलवा, हलवे में दूध का यूज़ कर सकते हैं, जिस भी तरीके से बच्चा दूध को लेना चाहे, जैसे आप उसको अगर नाश्ते में सैंडविच दे रहे हैं, बिस्किट दे रहे हैं, तो उसके साथ भी उसको दूध ऑफर कर सकते हैं, लाइक वो दूध में डिप करके। तो अल्टीमेटली गोल इज़ कि उसके बॉडी में वो दूध का बना हुआ आइटम वो जाना चाहिए। तो दही तो वैसे भी बहुत अच्छा होता है, इवन अगर बच्चा रेगुलर बेसिस पे दही ले रहा है तो काफ़ी हद तक उसकी कैल्शियम की रिक्वायरमेंट दही से भी मीट हो जाती है। सेकेंड ऑप्शन है ग्रीन लीफी वेजिटेबल, जितनी ज़्यादा डार्क ग्रीन कलर की वेजिटेबल होगी वो उतनी ही बच्चों के लिए अच्छी रहती है। स्पेशली अगर हम कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम के लिए आप ब्रोकली दे सकते हैं, ड्रम स्टिक दे सकते हैं, स्पिनच दे सकते हैं, इन सब में आयरन कैल्शियम भर भर के होता है, तो बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी होती हैं और एक अच्छा खासा ऑल्टरनेटिव है कैल्शियम इनटेक बढ़ाने के लिए। और नेक्स्ट, काफ़ी सारे सीरियल्स ऐसे होते हैं जिनमें कैल्शियम अच्छी खासी क्वांटिटी में होता है, जिनमें सबसे लाइक फर्स्ट प्रेफरेंस पे आता है रागी। रागी आप पाउडर फॉर्म में ले सकते हैं जो कि यूज़ करना इजी रहता है। रागी की मल्टीपल डिश आप बना सकते हैं, ब्रेकफास्ट के लिए चीला है, खीर है, पराठा है, एनीथिंग। रागी से बहुत सारी वैरायटी आपको यूट्यूब पे बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे रागी डिशेज़ के नाम से, वो आप ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा प्रोटीन के लिए आप जो वेजिटेरियन है स्पेसिफिकली वो लोग लाइक दालें यूज़ कर सकते हैं ज़्यादा एज कम्पेयर टू लाइक अदर वेजिटेबल्स। एंड इसके अलावा सोयाबीन है, बीन्स भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, तो छोले हैं या सोयाबीन है, ये काफ़ी ज़्यादा रिच होते हैं प्रोटीन के लिए, तो प्रोटीन इनटेक के लिए आप ये बच्चों की डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब विटामिन डी के लिए क्या करें? विटामिन डी वैसे काफ़ी सारे सीरियल से आपको मिल जाता है, बट इसके अलावा जो एक सबसे चीप और बेस्ट ऑप्शन है वो है सनलाइट। तो आप 12 बजे से पहले की जो भी सूरज की रोशनी होती है उसमें बच्चे को थोड़ा टाइम ज़रूर स्पेंड कराएं, उससे बच्चे की जो भी विटामिन डी की रिक्वायरमेंट होती है वो पूरी हो जाती है। एंड कैल्शियम एब्जॉर्ब करने के लिए विटामिन डी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो आप उसको इग्नोर मत कीजिए।
तो अगर बच्चा नहीं दूध पी रहा है तो आप ये सारे ऑप्शंस या अल्टरनेटिव्स यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि बच्चे को दूध के लिए आपको फोर्स भी ना करना पड़े और आप जो चाहते हैं कि उसकी बेसिकली बेसिक स्ट्रक्चर जो है, उसकी जो बेसिक नीड है कैल्शियम प्रोटीन की, वो भी प्रॉपरली पूरी होती रहे। तो आई होप कि आपको इन सारी चीज़ों से काफ़ी हेल्प मिले एंड आपकी थोड़ी सी टेंशन कम हो जाएगी अगर बच्चा आपका दूध नहीं पीता है तो। एंड अगर ऐसा होता है तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा, इसमें से क्या चीज़ है जो आपके लिए हेल्पफुल हुई है, एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।